नागपुर एक गौरवशाली इतिहास और परंपरा जतन करने वाला शहर है। यह अपना शहर अपने कई अन्य वैभव के साथ सौंदर्यपूर्ण आभूषणों की समृद्ध परंपरा के लिए भी जाना जाता है और इस परंपरा का सरताज है रोकड़े ज्वेलर्स, जो नागपुर का अपना ब्रांड कह के भी जाना जाता है। इसी रोकड़े ज्वेलर्स की लक्ष्मी नगर स्थित शाखा के सफलता पूर्व 3 साल पूर्ण होने पर रोकड़े ज्वेलर्स द्वारा 3री सालगिरह मनाई गई। इस दौरान रैली भी निकाली गई। गहनों के निर्माण में अपना हस्त कौशल को संरक्षित करने और बढ़ाने के उद्देश्य से 1920 में शुरू किया गया रोकड़े ज्वेलर्स आज शुद्धता और सजावटी सुंदरता का दूसरा नाम बन गया है। आज चौथी पीढ़ी भी इस समृद्ध पहचान को अपने कौशल और कला में महारत के माध्यम से सक्षम रूप से बनाए रखे हुए है। रोकड़े ज्वेलर्स द्वारा निर्मित ज्वेलरी का प्रत्येक अंश कला का एक अनूठा नमूना है, जो हमारी प्रामाणिकता को दर्शाता है। रोकड़े ज्वेलर्स अब सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि नागपुरकर की आस्था का प्रतीक है, इसलिए रोकड़े ज्वेलर्स को सार्थक रूप से नागपुरकर का अपना ब्रांड कहा जाता है। और इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब सुंदर आभूषण, विशेष रूप से सगाई से शादी के आभूषण खरीदने की बात आती है, तो रोकड़े ज्वेलर्स नागपुर वासियों की पहली और एकमात्र पसंद होते हैं। आज रोकड़े ज्वेलर्स एक ऐसे ज्वेलर्स के रूप में जाना जाता है जो एक ही छत के नीचे अपनी पसंद के सब सुंदर आभूषण उपलब्ध कराता है। सोना, चांदी, हीरे, आभूषण, मोती आदि से बने इनोवेटिव ज्वेलरी रोकड़े ज्वेलर्स की खासियत है। इसके साथ ही रोकड़े ज्वेलर्स की एक खास पहचान है। रोकड़े ज्वेलर्स में उपलब्ध अमूल्य नवग्रह राशि रत्न और बेहतरीन डी बियर्स फॉरएवर मार्क कलेक्शन केवल रोकड़े ज्वेलर्स में ही उपलब्ध है। साथ ही हम खास प्लैटिनम और हीरे के गहनों के स्टाइल स्टॉकिस्ट हैं। पारदर्शी सर्विस के साथ ज्वेलरी बनाना हमारी खासियत है। इस फीचर के दम पर हम नागपुर में सबसे भरोसेमंद ज्वेलरी ब्रांड बन गए हैं। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज न केवल महाराष्ट्रीयन आभूषण बल्कि विभिन्न प्रकार के आभूषणों की खरीदारी के लिए भी ग्राहक सबसे पहले रोकड़े ज्वेलर्स को प्राथमिकता देते नजर आ रहे हैं। पिछले करीब 2 साल से पूरी दुनिया कोरोना वायरस से त्रस्त है। हम इस दौरान नागपुर के सभी लोगों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपका हम पर विश्वास ही था जो हमें इस काल में बहुत मददगार साबित हुआ। हम आपके भरोसे का सम्मान करते हैं और आपको वर्षों से हमारे बढ़ते बंधन को सलाम करते हैं। रोकड़े ज्वेलर्स को आप सभी ने जो समर्थन और प्यार दिया वह वास्तव में अविश्वसनीय था। रोकड़े ज्वेलर्स में विश्वास करने के लिए हम सभी नागपुर वासियों के आभारी हैं और इस आभार के बदले में अब ग्राहकों को 23 मार्च से 27 मार्च 2022 के बीच गहने खरीदने के लिए सबसे सस्ते 5 दिन उपक्रम की पेशकश कर रहे हैं। इस ऑफर में ज्वेलरी की पहली खरीदारी की मेकिंग चार्जेस पर 25% की छूट और दूसरी खरीदारी की मेकिंग चार्जेस पर 25% की छूट शामिल है, जो कुल मिलाकर ज्वेलरी की मेकिंग चार्जेस पर 50% छूट मिलती है। हमें विश्वास है कि हमारे ग्राहक इस ऑफर का पूरा फायदा उठाएंगे। ग्राहकों को इस ऑफर का फायदा आगामी गुड़ी पड़वा फेस्टिवल के लिए भी मिलेगा। साथ ही अब वेडिंग सीजन के लिए स्पेशल वेडिंग सेरेमनी कलेक्शन भी उपलब्ध है। इसके साथ ही राजेश रोकड़े बोले, ग्राहकों की संतुष्टि हमारे लिए उत्पादों और सेवाओं की तरह ही महत्वपूर्ण है। एक ऐसा विश्वास जिसने हमें अपने ग्राहकों के दिलों में एक सम्मानजनक स्थान दिलाया है, जो दिन ब दिन बढ़ रहा है। हम हमेशा अपने विश्वास को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रोकड़े ज्वेलर्स के भैया जी रोकड़े हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कहोगे आज 3री सालगिरह जो है मनाने जा रहे हो आप। लक्ष्मी नगर ब्रांच की महल का जो ब्रांच है वो भी बहुत ही तरक्की पर है, साथ ही साथ बहुत ही कम समय में यहाँ भी हमने देखा कि बहुत कस्टमर्स की मतलब रोकड़े ज्वेलर्स नागपुर करण सदागिना करके ऐसी एक टैगलाइन हो चुकी है, क्या बताओ? वैसे देखे जाए तो जो महल का जो शोरूम है वो शोरूम के हिसाब से वहाँ भी अच्छा हमको रिस्पांस मिला है, तो वहाँ जब इतना रिस्पांस पूर्व में मिल सकता है तो पश्चिम में आएंगे तो इससे भी ज़्यादा मिलेगा, यही सोच के हम यहाँ आए। ऐसे किस्मत की बात बोलो कि ये यहाँ जगह मिल गई है, नहीं तो किसी को अपने जहाँ चाहे यहाँ जगह नहीं मिलती। ऊपर वाली की मेहरबानी, वो हिसाब से यहाँ के शोरूम में जो चीज़ें हमने जो रखी है वो बहुत पसंद आने लायक चीज़ है, आती भी है, एक शहर से नहीं, दूसरे शहर से नहीं, चारों शहर से आती है, तो इसके कारण डिजाइन बहुत अच्छी से दिखती है तो कस्टमर पसंद करके ले जाते हैं। इसके लिए हम बहुत खुश हैं और हमारे फैमिली में जितने भी लोग हैं यहाँ वो बहुत आनंदित है, उनके बारे हम भी खुश हैं। हमारे साथ वंदना रोकड़े जी, उनसे भी हम एक बार पूछना चाहेंगे, आज जो है 3री सालगिरह आप मना रहे हो इस ब्रांच की, क्या बताओ? मी वंदना रोकड़े, 3र्या वर्षाचे सालगिरीला मी खूप खूप आनंदित आहे आणि
सगळ्यांना मला म्हणजे नागपूरकरांना सगळ्यांना म्हणजे मी म्हणेल की मला खूप साथ दिला आणि नेहमीसाठी असाच साथ द्यावा ही माझी इच्छा आहे। रोकड़े ज्वेलर जो है अपनी तीसरी सालगिरह जो है मना रहा है लक्ष्मीनगर ब्रांच की। हमारे साथ है रोकड़े ज्वेलर्स के राजेश रोकड़े और अनामिका रोकड़े जी, उनसे हम जानेंगे कि आज जो है आप तीसरी सालगिरह मना रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत BCN की पूरी टीम की ओर से बधाई। क्या बताना चाहोगे आज के दिन? देखिए, ये लक्ष्मीनगर ब्रांच की 3rd एनिवर्सरी है। हम लोग यह एक फेस्टिवल के तहत इसे हम लोग एंजॉय करना चाहते हैं। हमारे कस्टमर को यहाँ पे हम लोग कुछ ऑफर्स लेके आए हैं और यह एक हमारे लिए भी एक स्वर्णिम अवसर है कि हम ग्राहकों का जो 3 साल का जो हमारे ऊपर जो विश्वास बैठा है, ये 3 साल नहीं है मैं कह सकता हूँ, वैसे तो ये 4th जनरेशन है हमारी और हमारा महल वाला शोरूम अपने आप में एक इतने सालों से आपके सेवाओं में था, बट वेस्ट नागपुर में ये 3 साल की जर्नी जो है हमारी वो 3 साल की न लगते हुए 30 साल की लग रही है और कस्टमर ने जो हमारा हम पे जो विश्वास रखा है उसका जो विश्वास उन्होंने जताया उसके लिए मैं बेहद धन्यवाद मानता हूँ। और साथों साथ एक ऑफर यहाँ घोषित करना चाहता हूँ, हमारे जितने भी ग्राहक है सबसे सस्ते 5 दिन हम लोग लेके आए हैं, 23 मार्च से लेके तो 27 मार्च तक, इस बिटवीन अगर वो खरीदारी करते हैं तो मेकिंग चार्जेस जो कि पहले ही रोकड़े ज्वेलर्स मेकिंग चार्जेस रीजनेबल के तहत जाना जाता है, क्वालिटी के लिए जाना जाता है, तो आज हम लोग 25% एडिशनल डिस्काउंट में उनको देने वाले हैं और सेकंड खरीदारी पर भी 25%, तो करीब करीब 50% उनका मेकिंग चार्जेस में डिस्काउंट उनका होने वाला है। तो यह बहुत बड़ा ऑफर होता है और इसमें ज़रूर मैं सभी जितने भी आपके व्यूवर्स है और हमारे जितने भी नागपुरकर है और नागपुर के आजू बाजू रहने वाले, मैं सभी को यहाँ बुलाना चाहूँगा। ये तो बात हुई कि मतलब 3 सालों में काफ़ी बहुत ही बड़ा जो है आपने सफ़र जो है पार किया है और उसमें बहुत ही बड़ा आपने जो है यहाँ पे यश जो है बोलते ना वो हासिल किया है। मैम से मैं पूछना चाहूँगी कि किसी भी आदमी के सक्सेसफुल आदमी के पीछे औरत का जो है हाथ रहता है, तो आपका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, क्या बताओगे? इसके लिए तो सर ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी पूरे नागपुरकर वासियों को सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतने कम दिनों में, मुझे तो लगता ही नहीं कि हम लोग 3 साल निकाल लिए हैं करके, उनका सपोर्ट इतना अच्छा रहा है हम लोगों को कि पूरे लक्ष्मी नगर में रोकड़े ज्वेलर्स बोलो तो हम लोग नए आए थे यहाँ पर, हमको वेस्ट नागपुर में हम लोगों को उतना ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि हम नए हैं करके, पूरा ऐसा लगता है 3 साल की जर्नी ना होते हुए 30 साल की जर्नी बन गई है। आज जो है आपके द्वारा रैली का भी आयोजन किया गया और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे यहाँ की ब्रांच का ओपनिंग हुआ उसके बाद कुछ ही दिनों बाद जो है बोल सकते हैं सालों बाद वो कोरोना का भी कहर आया, तो इस दौरान का सफ़र कैसा रहा? देखिए, कोरोना अपने आप में सभी को पता था कि ये एक ऐसा विषाणु है कि जिसे अनप्रिडिक्टेबल था, लोगों को पता भी नहीं था और ऐसे इसमें भी हमने अपने आप को संभाल के रखा और बड़ी परेशानी सभी के लिए आई थी, स्टाफ के लिए आई थी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों के लिए आई थी, बट दोनों ने एक दूसरे का सपोर्ट रखा और हम लोग ने यह एक बुरा वक्त निकाल दिया है और अच्छे भविष्य की तरफ हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। और जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा है कि एक सफल आदमी के पीछे कहीं ना कहीं एक महिला होती है, निश्चित तौर पर हमारे पास तो 2-2, 3-3 महिलाएँ हैं, मेरी मम्मी है, मेरी वाइफ है और मैं ये कह सकता हूँ कि जब महिला साथ में खड़ी हो जाती, आप खुद भी एक महिला है, जब महिला जब साथ में खड़ी हो जाती तो 1+1=2 और 1+1=11 हो जाता है, तो ऑलवेज महिलाओं का सपोर्ट लेना भी चाहिए और मैं बेहद खुश हूँ कि मुझे एक अच्छा परिवार मिला है, एक वाइफ के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, सबके रूप में, तो और हमारे स्टाफ में भी 70-80% महिलाएँ हैं और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर महिलाओं ने सोच लिया मार्केट को अगर मंदा करना है तो वो मार्केट में निकलना बंद कर दे तो वैसे ही रिसेशन आ जाए, तो महिलाओं को सम्मान करते हुए मैं पुनः एक बार सभी महिलाओं को धन्यवाद देता हूँ। इसके लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप कोरोना काल का पूछा है तो इसमें हमारी पूरी जो टीम थी उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया, उनका सपोर्ट हमको मिला और हमारा सपोर्ट उनको रहा, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम लोग यहाँ तक चले हैं, इसलिए वो सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो धीरे धीरे कहीं तो भी निकल गई। रोकड़े ज्वेलर्स का 3 साल का सफ़र जो है हमने जाना, आज जो है रोकड़े ज्वेलर्स अपना तीसरी सालगिरह मनाने जा रहा है और आज जो है हमने उनके सफ़र के बारे में जाना है। कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।